हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है? तो भाई अब लेके आ गए एक परमानेंट सॉल्यूशन। अब करके दिखाओ कोई गाड़ी चोरी। अब आ चुके हैं अपने पास ट्रैकिंग सिस्टम का बाप, 1 लैप का माइक्रो प्लस जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। तो पहले तो मैं ये यूज़ कर रहा था, आप लोगों ने सबने देखा था, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें, पर सब लोग ये कह रहे थे कि इसको चार्ज करना पड़ता है। वैसे तो इसे महीने में सिर्फ एक ही बार चार्ज करना पड़ता है, बट फिर भी लोग भूल जाते हैं, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, मेरा भी डिस्चार्ज ही पड़ा है। बट मैंने अभी रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे रखा हुआ मैंने। तो ये रखा हुआ, किसी को पता नहीं चलता है। बाकी इसकी बैटरी अभी शायद से ख़त्म हो गई है। अरे नहीं भाई, चल रहा है ये, 40 दिन से ऊपर हो गए हैं, ऑन है ये तो। मतलब मुझे लगा बैटरी डाउन हो गई होगी इसकी, बट चल रहा है। बाकी फिर भी इसको एक बार चार्ज तो करना ही पड़ता है, 30 नहीं तो 40 दिन में, नहीं तो 45 दिन में तो आपको ये चार्ज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए लोग कह रहे थे कि यार ये बहुत ज़्यादा थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आओ जो चार्ज ही ना करना पड़े हमें। तो आ चुका है 1 लैप की तरफ से माइक्रो प्लस जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, जो कि डायरेक्ट आपकी बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा और आपको कोई झंझट करने की जरूरत नहीं। एक बार लगा के छोड़ दो, सालों साल ऐसी चलेगा और आपको अच्छी लोकेशन दिखाता रहेगा, गाड़ी जा रही है क्या, बिल्कुल रियल टाइम दिखाता है। ये भी रियल टाइम ही दिखाता है, ये भी बहुत बढ़िया डिवाइस है। बस इसके साथ दो दिक्कत है, एक तो ये इसे चार्ज करना पड़ता था, और दूसरी दिक्कत ये थी कि ये इंजन को कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये आपकी सिर्फ लाइव लोकेशन दिखा देता था कि गाड़ी यहाँ पर है या जहाँ पर भी जा रही है, बट ये अगर हम चाहें कि हमारी गाड़ी को ऑफ कर दें हम, तो वो नहीं इससे कर सकते थे, क्योंकि ये वायरलेस डिवाइस था। तो डिवाइस तो अंदर रखा। बाकी इसमें है हमारे पास सब कुछ, ये हम इंजन भी ऑफ कर सकते हैं, इससे अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़। जैसे कि सेल्टोस में हमने देखा है कि यूवो प्लस ऐप आता है कि रिमोटली आप अपनी गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हो, वो सारी चीज़। बट मेरा एसटी के प्लस मॉडल है तो इसमें यूवो प्लस ऐप आता नहीं है, तो इसलिए मैंने मंगवाया है ये 1 प्लस। मैं इससे अपनी गाड़ी को सिर्फ ट्रैक ही नहीं और लॉक अनलॉक भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप इसके फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं, लाइट वेट है, रिमोट लॉक, जैसे कि मैंने बताया आप इंजन को आप रिमोटली लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग है इसमें, और MTK चिपसेट आती है, MediaTek का इसमें चिपसेट आती है जो कि इसको चलाती है। बाकी पीछे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या क्या इसमें आपको दिया गया सब कुछ देख सकते हैं। वर्किंग टेम्परेचर -25 डिग्री में भी ये काम कर जाएगा। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, मैं तो एक बार कर चुका हूँ, इसे आपके सामने दोबारा कर देता हूँ क्या क्या इसमें मिलता है। ये माइक्रो प्लस है, इसका माइक्रो भी आता है, ये माइक्रो प्लस है, और इसमें ऊपर लिखा है प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड इज़ ऑलरेडी इंसर्टेड इन द डिवाइस। तो इसमें एक एक्टिवेटेड सिम कार्ड भी है, तो आपको सिर्फ यही ख़रीदना है और कोई ख़र्चा आपको इसमें नहीं होगा, सिम कार्ड इसमें डली हुई आती है। तो ये देख सकते हैं 1 लैप का माइक्रो प्लस डिवाइस, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा, छोटा सा है। ये तो हो गया आपका GPS ट्रैकिंग डिवाइस, इसके बारे में भी बात करेंगे, और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें मिलती है इसकी सारी वायरिंग, बेस ऑन रहेगा आपके, उसमें बैटरी से कनेक्ट होगा तो उसकी वायरिंग आती है। प्लस में ये है इसकी रिले सिस्टम जिससे आप इंजन को रिमोटली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सपोज़ आपकी गाड़ी कोई मांग के ले गया और आपको बोल के गया है मैं 2 किलोमीटर तक जा रहा हूँ, बट वो 10-15 किलोमीटर चला गया और रुक ही नहीं रहा है, आप उसकी गाड़ी को वहीं की वहीं ऑफ़ कर सकते हैं कि भाई वापस आ, मैं इतनी दूर के लिए गाड़ी नहीं दूंगा। और देख सकते हो कितना मतलब प्रीमियम क्वालिटी का बना रखा है, इवन तार भी वायर भी कटिंग करके और ऐसे कर दे रखी है, इसमें भी ऐसी दे रखी है। एक इसमें आती है यूज़र मैनुअल, जो कि आपको सारा बता देती है, इसमें सारे फंक्शंस क्या क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं इसे, ये सारे इधर आ जाते हैं, और कैसे इसको लगाएंगे अंदर गाड़ी में फिट करेंगे, तो ये सारे सिस्टम इसमें आपको बता देती है। इवन आपको एक YouTube का लिंक भी दिया हुआ है कि आप इसमें स्कैन करके आप YouTube वीडियो देख सकते हैं, 1 लैप के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके, और आपके जितने भी 1 लैप के डिवाइसेस हैं सबके इंस्टॉलेशन वीडियो आपको उसमें दे रखी है। तो ये बस यही आता है इसमें, और काफ़ी सस्ता है ये डिवाइस पड़ता है, आप 3,500 से 4,000 के बीच में पड़ेगा। तो बाकी इसके प्राइस कभी 3,600, कभी 3,700, कभी 3,400 इस तरीके से होते रहते हैं, अमेज़ोन पे आप देख सकते हैं इसे जाके। बाकी इतना ही इसमें आता है, इस बॉक्स को रख देते हैं साइड में, ये तो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ, मेरे को तो यार ये बेस्ट लगा है। इसके अपने फ़ायदे हैं और ये किसी भी हर गाड़ी के साथ कंपेटेबल है, किसी के साथ भी आप इसे लगा सकते हैं। और आपको चलो इसमें दिखा देता हूँ ये कैसे ऑन ऑफ होगा, इसको यहाँ से खोल लेंगे हम, बहुत टाइटली पैक्ड होता है क्योंकि ये IP67 रेटिंग के साथ आता है, वाटरप्रूफ है ये, आप देख सकते हैं इसमें वाटरप्रूफ लिखा हुआ है, वाटरप्रूफ है, तो बिल्कुल टाइट पैकिंग के साथ आता है। आपको इसमें मिल जाती है एक सिम, जो कि आप देख सकते हैं एक माइक्रो सिम मिल जाती है इसमें, और ये आपको MediaTek का प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इसे जैसे ही मैं ऐसे ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा,
बाकी मेरे को इसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से, तब जाके यहाँ पे इसमें ये सिग्नल आ जाएंगे और ये जीपीएस के सिग्नल आ जाएंगे। तो सिम के सिग्नल आपको इसमें लाइट जल जाएगी और जीपीएस के सिग्नल की लाइट इसमें जल जाएगी। और बात, जब भी आप इसको लगाएं तो ये जो वन लैब का आपका लोगो है ये आपका स्काई की तरफ होना चाहिए, अगर ऊपर की तरफ होगा तो सिग्नल ज़्यादा अच्छे से कैच करेगा। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसे ऑन करके, जैसे ये ऑन किया और इसको यहाँ पे पैक करके छोड़ देंगे आप इसे। तो ये इसके साथ वायर मिलती है, वायर को आप इसे ओपन कर लेंगे, काफ़ी लंबी वायर दी गई है इसके साथ, ये देख सकते हैं आप कितनी लंबी वायर दी हुई है। और सारी कपलर टू कपलर फिटिंग है, इसका जो कपलर है ये इस तरीके से इसमें ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं कपलर टू कपलर फिटिंग है। ये तो हो गया आपका जीपीएस। अगर आपको सिर्फ जीपीएस लगाना है, ये ऑप्शनल, अगर आप लगाना चाहो तो आपका मन है, नहीं अगर आप चाहते हैं कि मैं इंजन को एक्सेस करूं तो वो भी आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी ये सारी वायर्स आपकी बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और एक वायर चली जाएगी आपकी अर्थिंग की, तो एक वायर को आप खाली छोड़ देंगे, बाकी दो वायर आप इसे कनेक्ट कर देंगे। और इसे कनेक्ट करने में थोड़ा सा, हाँ ये है कि ये भी पोर्टेबल था, इसे तो आप खुद भी कनेक्ट कर सकते थे। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी मैकेनिक या कार मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, बाकी मैं आपको एक टेम्परेरी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप ये सारा डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम बहुत ही ईजी है, आप इसका मैनुअल खोल के सारे ये सारी चीज़ बता देगा। तो इसमें जैसे कि दिखा रखा है कि रेड तो है पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लैक है नेगेटिव टर्मिनल, तो हम इसमें रेड वायर और ब्लैक वायर लेंगे, और इसका ये ऊपर से काटा हुआ है, मतलब हमें छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दिया है, रेड पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दिया है, और यहाँ पे इसमें लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई है। जीपीएस भी इसने कनेक्ट कर लिया, देखो ऑरेंज कलर की लाइट जीपीएस में चल रही है और रेड कलर की लाइट नेटवर्क में चल रही है, मतलब नेटवर्क इसके आने शुरू हो गए। तो अभी तो मैंने आपको एक टेम्परेरी करके दिखा दिया है, ये देखो चल रहा है इसमें, इसे आप अंदर ही कनेक्ट करोगे, इसे आप बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट नहीं करोगे बोनेट में, अंदर कनेक्ट करोगे, क्योंकि आपका ये रिले भी कनेक्ट होगी। रेड और ब्लैक वायर तो आपकी बैटरी से कनेक्ट होंगी जो कि इसे पावर देंगी, बाकी जो ऑरेंज और येलो वायर है ये एक अर्थिंग की और एक होगी रिले से कनेक्ट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये अंदर कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये होगा आपके, जहाँ पे कनेक्ट होगा इसे आपने यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी पावर आपके इग्निशन या आपके स्टेयरिंग को कंट्रोल करती है, जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं ये जैसे लाइट जल जाती है ना इसमें, तो जो भी पावर इसे पावर सप्लाई देती है उसी पावर से आपकी वो कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिले को आप यहीं पे कनेक्ट करेंगे और उसके वायर से आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ताकि आपकी अर्थिंग भी बन जाए, रिले आपका इग्निशन से, ये आपको इग्निशन को कंट्रोल कर देगा। ये आप दिखा देता हूँ मैं आपको, ये अलग भी हो जाता है, देख सकते हैं ये है आपकी रिले, इसमें भी सारा डायग्राम बना हुआ है कैसे कैसे कनेक्ट होगा, और ये है इसकी वायरिंग, कपलर टू कपलर है, कोई भी वायर कटिंग इसमें अभी नहीं है। बाकी इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप इसे खुद तो देखो नहीं लगा पाएंगे, मैं भी नहीं लगा पा रहा हूँ इसे खुद तो, जब भी आप इसे किसी से लगवाने जाएँ तो किसी ऐसे बंदे से लगवाएं जिसे नॉलेज हो ये सारी चीज़ें खोलने की, नहीं तो वो बंदा आपकी वायर कटिंग कर सकता है और आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो ये इस तरीके से जुगाड़ हो सकता है कि ये कपलर टू कपलर ही हो जाए और आपकी वायर कटिंग ना हो, बाकी उसमें जीपीएस के लिए तो वायर कटिंग होगी ही नहीं। इसे इंस्टॉल, और ये इसकी एप्लीकेशन जो है जो वो एंड्रॉयड में भी और iOS में दोनों में कंपेटेबल है, तो अभी मैं आपको iOS में करके दिखा देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि iOS में नहीं चलती, सिर्फ एंड्रॉयड में चलती है, ऐसा नहीं है, मैं अपने फ़ोन में चला ही रहा हूँ iOS में, बाकी मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। ऐप स्टोर पर जाके आप वन लैब GPS ट्रैकर, ये आ गई आपकी एप्लीकेशन, इसको आप कर लेंगे, इसे डाउनलोड हो गई है, अब इसे हम ओपन कर लेंगे। अलाउ टू यस, अलाउ, एंटर फोन नंबर और पासवर्ड, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इसे साइन अप कर सकते हैं। जैसे आप साइन अप में जाके अपनी सारी डिटेल भर सकते हैं, बिलिंग नेम लिख देता हूँ, सब्सक्राइबर्स PERS, एंटर फोन नंबर तो नहीं दिखाऊंगा, सारे वो डाल दिए हैं, OTP इसमें आता है, जैसे OTP आया है मैंने OTP डाल के, और वेरीफाई OTP, अकाउंट बन चुका है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये दिखा दिया है इसने, और अकाउंट बन चुका है। अब अकाउंट का डालेंगे दोबारा से हम नंबर और अपना पासवर्ड जो हमने रखा था, अपना लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, साइन अप करके मैंने लॉगिन कर लिया और पूरा आपका ये एप्लीकेशन खुल चुकी है। अब इसमें जाके हमें, तो इसमें जाकर के आप यहाँ पे ऐसे ऐड व्हीकल कर सकते हैं, ऐड व्हीकल करेंगे आप इसे यहाँ पे,
तो ये आ जाएगा बाय अ न्यू डिवाइस या ऑलरेडी ओन अ डिवाइस। तो बाय ऑलरेडी ओन अ डिवाइस, तो मेरे पास डिवाइस है तो मैं इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। तो ये आ जाएगा कि कैसे आपको, देखो वेलकम सब्सक्राइबर्स, ये सब आप लोगों के लिए ही है। और हाँ, मुझे पता है सब्सक्राइबर्स की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा तो एक आध वर्ड छूट जाता है। क्लिक ऑन ऐड बटन एड डिवाइस एंड क्लिक ऑन कॉल बटन टू टॉक टू योर कस्टमर के। तो यहाँ पे आप इसे ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसे कस्टमर केयर पे भी, इनका 24/7 कस्टमर केयर सर्विस है, तो आप वहाँ से कॉल करके इसे पूछ सकते हैं कैसे होगा। तो मैं इसे ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डिवाइस के पास। डिवाइस में एक ऐसा बार कोड टाइप है, इसके नीचे ये बार कोड है, और जैसे ही मैं इसे नेक्स्ट करूँगा तो ये अपने आप एक कैमरे के पास लेके जाएंगे इसे। तो इसने बारकोड को स्कैन कर लिया और ये सारा इसका सीरियल नंबर ऑफ द डिवाइस इसमें आ चुका है। अब इसे करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर डालेंगे एंटर व्हीकल नेम, व्हीकल नेम सेल्टॉस, एंटर व्हीकल नंबर HR51CB4408, व्हीकल टाइप है पर्सनल भी। और इसमें व्हीकल आइकन भी डाल सकते हैं, ये व्हीकल आइकन डाल दिया। कुछ डालने के बाद आप करेंगे ऐड डिवाइस, तो ये डिवाइस हो चुकी है ऐड। अब इसमें आ चुका है विजिटर मैकेनिक प्लीज इंस्टॉलर डिवाइस। ये खुद बोलते हैं कि आप मैकेनिक से करवाएं, बाकी जो वायरलेस वाला था वो तो आप खुद ही कर सकते हैं, इतना ईजी है। ये देखिए 1 lakh का इसमें वो आ गया, हाई सब्सक्राइबर्स मैसेज भी आ चुका है 1 lakh का। पूरी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी दे रखी है, देखो प्लीज इंस्टॉल द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ नियर बाय मैकेनिक, प्लीज वॉच द फॉलोइंग वीडियो फॉर इंस्टॉलेशन सपोर्ट। आप अपनी, अगर कोई नहीं हो रही है आपसे तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने अपना इंस्टॉल तो कर ही दिया है टेम्परेरी, नेक्स्ट कर देता हूँ मैं इसे। नेक्स्ट करने के बाद ये वही बता रहा है जो मैंने आपको बताया था, ये सिम कार्ड स्लॉट है, ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है, ये नेटवर्क, और वो लाइट आपको दिखाई दी थी LED लाइट उसमें जल गई थी, ऑन कर दिया था मैंने। यस अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो एक्टिवेट डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है। बाकी ये देखो एक साल के लिए फ्री आता है, फ्री ऑफ कोर्स देते हैं एक साल के लिए इसका सब्सक्रिप्शन, और अगर आपको एक साल हो चुका है तो उसके बाद अगर आपको जैसे ही कराना है तो आप इसमें पेमेंट्स में जा सकते हैं। पेमेंट्स में जाएंगे तो इसमें आ जाएगा 364 डेज लेफ्ट, मतलब पूरा एक साल अभी मेरा बच रहा है। और ये गाड़ी का नंबर, ये सेल्टॉस आ गया है। अगर जैसे ही मेरा ये ख़त्म होने वाला होगा तो यहीं पर आपके इसमें प्राइस लिस्ट भी आ जाएगी कि ये प्राइस है, और आप रिचार्ज कराना चाहते हैं तो इसे रिचार्ज वहां से भी करा सकते हैं। बाकी आप इसमें अपनी सिम भी डाल के चला सकते हैं, सिर्फ इसको नेट चाहिए और कॉलिंग वगैरह कुछ चाहिए नहीं। तो नेट का तो मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ता प्लान आता है, तो कोई भी आप इसमें 4G सिम डाल के इसको चला सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं आप, इंजन एक्सेस आ गया है, इंजन एक्सेस में जाऊंगा तो डू यू वांट टू स्टॉप इंजन। अभी मैंने इसमें रिले लगाई नहीं है, जैसे ही रिले लगाऊंगा तो ये एक्चुअल में मेरे इंजन को स्टॉप कर देगा। यहाँ जैसे ही पासवर्ड डाल के कंफर्म करूंगा तो ये इंजन को स्टॉप कर देगा। जैसे एक बार करके देखता हूँ, अभी रिले लगाई नहीं, 1 2 3 4 5 कन्फर्म, देखो इंजन स्टॉप सक्सेसफुली, बट अभी रिले लगी नहीं है तो अभी इंजन मेरा इग्निशन ऑन ही दिखा रहा है इसमें। जैसी रिले लग जाएगी तो इंजन ये इसको स्टॉप कर देगा। बाकी एंटी थेफ्ट फीचर भी इसमें आता है, हाँ ये टर्न ऑन हो गया। बाकी जहाँ भी आपकी गाड़ी खड़ी होगी, अगर वो उस एरिया से जैसी बाहर निकलेगी आपको तुरंत इसमें मैसेज आएगा, गाड़ी स्टार्ट होगी तुरंत मैसेज आएगा। इग्निशन, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं, जैसे इग्निशन ऑन है ना सर, गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है देख सकते हो, तो इग्निशन ऑन में ही आपको मैसेज इसमें आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई इतनी रात को किसने गाड़ी स्टार्ट करी, तो आप तुरंत यहीं से इंजन एक्सेस करके और इंजन को स्टॉप कर सकते हैं, और एकदम बाहर भाग के जाके देख सकते हैं इंजन कैसे स्टॉप हो, वो कौन लेके जा रहा है गाड़ी को। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आती है, मतलब मेरी रोड, जैसे घर के बाहर रोड है तो रोड से हल्की सी अंदर खड़ी है, तो वो भी देखो हल्की सी अंदर आ रही है अंदर की तरफ, तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, लाइव लोकेशन ये दिखा देता है। और मैंने अभी सुबह गाड़ी हल्की बाहर निकाली थी तो थोड़ी सी ऐसे ये घूमी हुई भी दिखा रहा है कि इस ट्रैक पे ये गई थी गाड़ी, तो ट्रैक भी आपका दिखा देता है। यहाँ से ट्रैक को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ये ट्रैक ऑफ हो गया, ये करेंगे तो ट्रैक ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से यार बिल्कुल लाइव लोकेशन दिखाता है ये, आपको सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाती हैं। मैं आपको थोड़ी बड़ी और स्क्रीन में दिखा देता हूँ, तो एग्जैक्ट ही फरीदाबाद की जो लोकेशन है मेरे घर की सेल्टॉस की आ चुकी है। इंजन एक्सेस का मैंने आपको बताई दिया, पासवर्ड डालेंगे और आपका इंजन स्टॉप तो हो जाएगा। किस मतलब जरूरी नहीं है आप इसे गाड़ी को ही ट्राई वो करो, ये तो आप इससे तो आप किसी को भी कर सकते हो, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में आपको दिखाई है। तो और ये परमानेंट आप इसे गाड़ी में लगा के छोड़ दीजिए, छोटी सी चीज़ है इसे यहीं पर डाल के अंदर से, और परमानेंट भूल जाइए इसे, तो क्योंकि ये हमेशा ऑन रहेगी, आपकी गाड़ी ऑफ भी रहेगी तब भी ऑन रहेगी क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट पावर लेगी। और हाँ ये बहुत यार इतना सा डिवाइस है, ये बिल्कुल अगर आपकी गाड़ी
छः महीने तक भी खड़ी रहेगी ना तब भी आपकी बैटरी को ड्रेन नहीं करेगी। ये इसकी एप्लीकेशन आ जाती है और इंस्टॉल करना काफ़ी ही इजी है, लोकल मैकेनिक पे लगवा के और अपना फ़ोन में तो इंस्टॉल करना बहुत इजी है, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपको दिखा दिया बाकी, और यार इसमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है ये, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इसे बहुत टाइम से ये वन लैप का तो ये वाला प्रोडक्ट तो यूज़ कर ही रहा था, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यार। मुझे सच में हैरानी हो रही है अभी तक ऑन कैसे है ये, मैंने शायद मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लास्ट चार्ज किया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, और अगर आप इसे जैसे बोनेट में भी लगा के रखते तो ये वाटरप्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है आपकी गाड़ी, मतलब ये ख़राब नहीं होगा पानी वानी लगने से भी। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, मेरे को तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। आप अपनी गाड़ी को सिक्योर कर सकते हैं वन लैप के माइक्रो प्लस GPS ट्रैकिंग डिवाइस से। इनके और भी बहुत सारे डिवाइस आते हैं जो कि बाइक के लिए आते हैं, लोग कह रहे थे यार बाइक के लिए बता दो, बाइक के लिए भी आते हैं, बहुत छोटे छोटे से डिवाइस आते हैं जो कि आपकी बाइक में लग जाते हैं। वन लैप का YouTube चैनल भी आप उस पर जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके इनके सारे वीडियोस के इंस्टॉलेशन, सारे डिवाइसेस के इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन्होंने डाली हुई हैं। 24/7 कस्टमर केयर सर्विस है, कभी भी आप इन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। तो यार मेरे को तो काफ़ी अच्छा डिवाइस लगा है ये, मैं पहले भी एक यूज़ कर रहा हूँ और अब एक और मैंने मंगवा लिया है। इसे परमानेंट सेल्टोस में तो नहीं, शायद मैं इसे स्कॉर्पियो में लगा के परमानेंट छोड़ दूँ, और इंजन एक्सेस का भी लगाऊंगा। तो आपको ये डिवाइस कैसा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे तो पसंद है, इसके लिए एक थम्स अप है मेरी तरफ से, तो वन लैप की तरफ से वन लैप बहुत अच्छे अच्छे डिवाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।